नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं एक तो सुकन्या समृद्धि योजना में बड़ा अपडेट और इसके साथ ही पीपीएफ अकाउंट और इसके साथ ही आरडी रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से सरकार ने कुछ लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं को लेकर जमाकर्ताओं को कुछ छूट दी है। यानी कि जिन्होंने अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवा रखा है, या सबसे पहले ये भी बताना चाहूँगा, बहुत से मेरे कमेंट भाइयों ने कहा कि हम सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाना चाहते हैं तो क्या करना होगा। साथियों, आप नज़दीकी अपनी पोस्ट ऑफिस में जाएँ जहाँ बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता की कोई भी दो आईडी आपको ले जानी है और एक फॉर्म भरना है, एक केवाईसी फॉर्म और एक एप्लीकेशन फॉर्म। ये भरने के पश्चात आपको पासबुक जारी की जाएगी जिसमें आप मिनिमम 250 रुपये जमा करवा सकते हैं और साल के मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। लेकिन इसमें कुछ अपडेट ये है, अगर किसी कन्या की उम्र आप देख सकते हैं 10 वर्ष से अधिक हो जाती है तो उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि का अकाउंट नहीं खुलता है। लेकिन लॉकडाउन के मद्देनज़र इसमें कुछ राहत या छूट दी गई है। अगर आपकी बेटी की उम्र 25 मार्च और 30 जून 2020 के बीच 10 वर्ष पूरी हो चुकी है तो आप उसका अकाउंट 31 जुलाई 2020 से पहले पहले खुलवा सकते हैं। ये लॉकडाउन की वजह से एक छूट दी गई है। आगे हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आरडी पर जमाकर्ता के अगर अभी तक अपने आरडी अकाउंट के लिए मार्च, अप्रैल, मई या जून की किस्त का भुगतान नहीं किया तो वे 31 जुलाई तक कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन के तहत ये बड़ी छूट दी है और सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में किसी प्रकार का कोई आपको टैक्स नहीं देना। 80C के तहत ये टैक्स फ्री अकाउंट है। ये बच्ची के नाम या बच्ची के माता पिता के नाम से भी ये खाता खुलवा सकते हैं जिसमें स्टार्ट में खाता बच्ची के नाम खुलेगा, उसके माता या पिता इस खाते को यानी कि जो किस्त आएगी हर महीने वो जमा करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम घर बैठे अपने खाते को यानी कि ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से इसमें खाते में रुपये जमा करवाएँ तो भी आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट खुलवाना होगा माता या पिता के नाम, उसको आपको कनेक्ट करना है सुकन्या समृद्धि योजना से। सुकन्या समृद्धि अकाउंट से आप ऐड कर लीजिए और आप उसमें 250 रुपये मिनिमम और साल के 1.5 लाख तक जमा करवा सकते हैं। जितना रुपए जमा करवाएंगे उतना ही आपको इसमें फ़ायदा यानी कि ब्याज मिलेगा, लेकिन आप अपनी इच्छा के अनुसार कम से कम 250 रुपये जमा करवा सकते हैं। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए और फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई डाउट या कोई भी जानकारी तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो की एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।